ये हैं सौरभ चंद्रकर। इन्होंने रिसेंटली दुबई में 200 करोड़ रुपए की शादी की थी। इनकी शादी में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, विशाल ददलानी और नेहा कक्कर ने परफॉर्म किया था। बट आज से सिर्फ 4 साल पहले इनकी छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा जूस का स्टॉल था एंड आज इनकी कंपनी रोज 200 करोड़ रुपए कमाती है एंड इनकी कंपनी की टोटल इवैल्यूएशन है 5000 करोड़ रुपए। पर इसकी पूरी कंपनी एक स्कैम है एंड इसके पीछे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स, इनफैक्ट दुबई एंड पाकिस्तान भी है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% यकीन दिला सकता हूँ कि आपका विश्वास इन बॉलीवुड स्टार्स एंड ऑनलाइन बेटिंग ऐप से उठ जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जूस वाला 200 रुपए दिन के से 200 करोड़ रुपए दिन के पर कैसे पहुंचा और ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से आज इसका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फलों का जूस बेचने वाला ये व्यक्ति इलीगल बेटिंग के बिजनेस से हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये सिर्फ 4 एक्टर नहीं, ऐसे 14 एक्टर हैं जिन्हें ईडी बुलावा भेज सकती है। It reportedly rakes in 200 crore rupees daily. इस सब की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर बिलई से। सौरभ चंद्रकर छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा जूस का स्टॉल चलाता था। सौरभ का एक और फ्रेंड था रवि उपल, उसकी एक छोटी सी टायर की दुकान थी एंड बाद में जाके ये इनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। ये दोनों अच्छे दोस्त थे एंड हर शाम काम के बाद सट्टा खेलने जाते थे। खेलते खेलते इनको इतनी बुरी आदत लग जाती है कि ये पूरी पूरी रात सट्टा खेलकर बिता देते थे। पहले इन दोनों ने अपने पैसे लगाए थे बट जब इनके पैसे डूब गए तो इन्होंने रिश्तेदार एंड दोस्तों से पैसे लेकर सट्टा खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते सौरभ 10-15 लाख रुपए हार चुका था एंड रवि लगभग 10 लाख। जब इनके रिश्तेदार और दोस्तों ने इनको पैसे वापस देने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया तो अपने बच्चे कुछ पैसे लेकर दुबई भाग जाते हैं। दुबई जाकर ये छोटे मोटे काम करते हैं, कभी रेस्टोरेंट में वेटर बन जाते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड एंड कभी कभार उबर चला लेते हैं। एक दो साल में जब छोटे मोटे काम कर थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है तब एक ऐप बनवाते हैं जिसका नाम था महादेव बेटिंग ऐप। अब महादेव रखने के पीछे दो बड़े रीजन थे। पहला, सौरभ की जूस की दुकान का नाम भी महादेव जूस स्टॉल था। दूसरा, इंडिया में लोग महादेव को बहुत ज्यादा मानते हैं तो इस नाम की वजह से कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता। 2019 में ये अपने ऐप को छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स एंड मीम पेजेस के थ्रू प्रमोट करवाना शुरू करते हैं बट इनको कुछ खास ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बट 2020 में जब लॉकडाउन लगा एंड बहुत सारे लोग डेस्परेट हो गए पैसा कमाने के लिए तब इनकी ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल हो गई थी। जहां पहले कुछ हजार कस्टमर थे इनके, लॉकडाउन के बाद लाखों लोग इनकी ऐप यूज करते थे बेटिंग करने के लिए। इस ऐप में आप किसी भी गेम पर पैसे लगा सकते थे, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, पोकर हो या कार्ड्स हो, आप कहीं पर भी पैसे लगा सकते थे। बट इनकी ऐप में ऐसा कुछ था जो बाकी किसी भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप में नहीं था एंड वो था कि आपका स्टार्टिंग में जीतना ऑलमोस्ट पक्का था। अगर आप किसी जगह बेट लगाते हो एंड जीत गए तो आपके पैसे डबल, बट अगर आप हार गए तब भी कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आपको वापस मिल जाता था। ऑल्सो अगर आप इनसे फोन पर रिक्वेस्ट करते कि मेरे को 500 पॉइंट्स और दे दो खेलने के लिए तो स्टार्टिंग में ये 500 पॉइंट्स भी दे देते थे। इस ऐप से इम्प्रेस होके कि भाई फ्री में पैसे बट रहे हैं, काफी लोगों ने अपने फ्रेंड्स को भी ये ऐप रिकमेंड किया एंड इस तरीके से ये ऐप बहुत ज्यादा वायरल हो गया। पर प्रॉब्लम जब शुरू हुई जब लोग इसे एडिक्ट बन गए एंड इस ऐप ने अपने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखो, शुरुआत में इस ऐप पर आपकी 5 में से 4 बार जीत पक्की थी बट एक बार आप एडिक्ट बन गए फिर इस ऐप ने सबको हरवाना शुरू कर दिया। ये एक पूरा का पूरा स्कैम ऐप था एंड आज तक भी किसी ने भी इस ऐप से पैसे नहीं कमाए, लोग सिर्फ अपने पैसे हारे ही हैं। इनफैक्ट इनके काम करने का तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग था। पहले ये इन्फ्लुएंसर्स एंड मीम पेजेस के थ्रू सिर्फ अपना नंबर प्रमोट करवाते थे कि भाई अगर आपको बेटिंग से ढेर सारे पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, जाइए कॉल करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, जिन लोगों को गेम्स खेलना है। जब लोग इस नंबर पर कॉल करते थे तो एक बहुत ही फ्रेंडली बंदा आपकी फुल ऑन हेल्प करता, आपको सारे गेम समझा देता। वो बताता कि काफी लोगों ने लाखों रुपए कमाए इस ऐप के थ्रू एंड आप भी कमा सकते हो। फिर वो बंदा आपको दो बैंक अकाउंट देता, एक जिसपे आपको पैसे डिपॉजिट करने थे एंड दूसरा बैंक अकाउंट जिससे आपको पैसे विड्रॉ करवाने थे एंड ये दोनों ही अकाउंट बेनामी अकाउंट्स थे। बेनामी बैंक अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जब आप किसी गरीब को 2-3 हजार रुपए देकर उसका बैंक अकाउंट खुलवा देते हो, फिर उसका बैंक अकाउंट आप यूज करते हो सारी इलीगल ट्रांजेक्शन करने के लिए। एक बार उनके कस्टमर्स इन बेनामी बैंक अकाउंट्स में पैसा डलवा देते थे तो उनको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता था विद पॉइंट्स
जिसके थ्रू वो बैटिंग करना शुरू कर सकते थे। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा ऐप एक बहुत बड़ा स्कैम था एंड ऑलमोस्ट सारे लोग अपने पैसे हार गए थे। फिर ये सारा पैसा जाता था कॉल सेंटर के पास एंड वो कॉल सेंटर 30% कमीशन काट के बाकी का सारा पैसा हवाला सिस्टम के थ्रू रवि एंड सौरभ के पास पहुंचा देता था। तो सपोज एक कॉल सेंटर 100 करोड़ रुपए कमाता है तो 30 करोड़ वो लोग रखते थे एंड बाकी 70 करोड़ सौरभ एंड रवि के पास जाता था। एंड ऐसे उनके 41 कॉल सेंटर्स थे इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में। अब क्योंकि रवि एंड सौरभ दुबई से सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे तो सारा का सारा पैसा हवाला नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर होता था। हवाला नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे पैसे एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर होते हैं बिना किसी गवर्नमेंट एंड बैंक को पता लगे। बेसिकली इल्लीगल तरीके से पैसे ट्रांसफर करना ताकि आपको कोई भी टैक्स ना देना पड़े। एंड इसी हवाला नेटवर्क के थ्रू रवि एंड सौरभ करोड़ों रुपए इंडिया से दुबई ट्रांसफर करवाते थे। अब जहां 4 साल पहले सौरभ एंड रवि 10-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, अब उनके पास दुबई में बैठे बैठे करोड़ों रुपए आ रहे थे। बहुत सारे दुबई के शेख एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने इनके इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इंडिया में अगर कोई नेता या पुलिस वाला फालतू में इनको कुछ बोलता तो ये लोग उसको पैसे देकर चुप करवा देते थे। ये लोग एक दिन में 200 करोड़ रुपए कमा रहे थे एंड अपनी ऐप की रीच और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर से अपनी ये ऐप प्रमोट करवाई। यू सी एक्टर रणबीर कपूर endorsed the betting platform. His face was on social media ads for the Mahadev app. He was reportedly among the highest paid celebs paid by the app's promoters. सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट सौरभ ने एक गलती कर दी। उन्होंने इस साल शादी कर ली एंड उनकी शादी ही उनकी बर्बादी का कारण बन गई। सौरभ ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सिर्फ 42 करोड़ में उन्होंने दुबई के 7-स्टार होटल में कमरे बुक करवाए थे। फिर अपने रिलेटिव्स के लिए नागपुर से दुबई एक प्राइवेट जेट बुक करवाया। 110 करोड़ रुपए दिए मुंबई की एक वेडिंग प्लानर को जिन्होंने सब कुछ अरेंज करवाया था। फिर लाखों रुपए दिए इन बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि रणबीर कपूर, सनी लियोनी, विशाल ददलानी, नेहा कक्कर, इन सबको लाख रुपए दिए गए परफॉर्म करने के लिए। पर इन सब की पेमेंट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैश में की थी, हार्ड कोल्ड कैश। ये बात गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पता चल गई एंड महादेव ऐप का पूरा भांडा फूट गया। ईडी ने 39 लोकेशंस पर रेड मारी एंड 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। काफी सारे बॉलीवुड स्टार से भी पूछताछ हो रही है कि उन्होंने पेमेंट कैश में लेकर परफॉर्मेंस कैसे कर दी। आजकल आपने देखा होगा हमारे जो ज्यादातर कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, वो यही कहते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है किसकी शादी है, चाहे वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई काला पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो। अमीर होना चाहिए, उसके पास मोटा पैसा होना चाहिए और ये जो कलाकार हैं ये किसी भी की भी शादी में जाकर फिर नाचना स्वीकार कर लेते हैं, नाचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। बताया जा रहा है कि इनका लिंक डी कंपनी एंड कुछ चाइनीज कंपनी से भी हो सकता है और फिलहाल सौरभ एंड रवि के खिलाफ एक रेड नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। जैसे पहले ये अपने कस्टमर्स को फालतू के पैसे देकर खुश कर देते थे, ऐसे कुछ इनके साथ हुआ। पहले 4-5 साल तो इन्होंने बहुत मौज काटी एंड अब इनकी जेल जाने की नौबत आ गई है। बाकी भाई इन गैम्बलिंग ऐप से बच के रहो, मैं तो प्रमोट नहीं करता बट बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कुछ पैसों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं। सोचो भाई, रणबीर कपूर के पास तो करोड़ों रुपए हैं, लाखों लोग उनको अपना आइडल मानते हैं एंड वो बंदा भी कुछ पैसों के लिए इतनी गलत चीज प्रमोट कर रहा है। बाकी भाई तुमने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर लिख देना और ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो इस वीडियो पर एक लाइक छोड़ जाना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को एंड यूट्यूब एल्गोरिथम में भी हेल्प आता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।